चंपावत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने 30 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी। चंपावत जिले के पार्टी ब्लॉक में लव ट्रायंगल के चलते एक युवक ने ग्राम प्रधान के बेटे को चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, तो वहीं आरोपी ने हत्या करने के बाद पुलिस को खुद फोन कर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बुधवार को देर शाम पनिया निवासी बबलू सिंह ने काजीना निवासी खिलानंद जोशी उर्फ अखिलेश, जिसके उम्र 30 वर्ष, पुत्र सुरेश चंद्र जोशी को चाकू गोद कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना भी खुद ही दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और 108 सेवा ने खून से लथपथ खिलानंद जोशी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पार्टी पहुंचाया, जहां डॉक्टर निफ्ती शाह ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने बताया कि वह एक लड़की से प्रेम करता है। खिलानंद भी उसी लड़की को पसंद करता था और उससे बात करता था जो उसे पसंद नहीं था। इसी कारण तैश में आकर उसने घटना को अंजाम दे दिया। थाना अध्यक्ष पार्टी देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जाँच SI देवनाथ गोस्वामी को सौंप दी गयी है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।